क्या करना चाहिए वर्तमान सरकार को जो हमला हुआ उसको लेकर? जी देखिए, हम लोग चाहते हैं, सभी लोग और सारी जनता यही चाहती है कि मोदी जी को अभी विकास कार्यों पे सब पे रोक लगा देनी चाहिए और पाकिस्तान वाले मुद्दे जो कहते हैं, जो आतंकवाद का जो मुद्दा है, उस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर ही कार्य करना चाहिए। जितने भी सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, इसी तरीके से हमें भी पाकिस्तान में घुसकर उन पर हमला करना चाहिए। जैसे कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इसी तरह से एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान। हमारी राय तो यही है कि गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारी जैसा आतंकी हमला हमारे यहाँ इंडिया में हुआ है, वैसे ही उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे देश वीर जवानों के साथ जैसा किया है, हमारे वीर जवानों के घरों पर जितना दुख हुआ है, उतना दुख का एहसास उन्हें भी दिलाना जरूरी है जिन्होंने आतंकी हमले करवाए हैं। उन्हें भी एहसास हो, उनकी फैमिली को भी एहसास हो कि अपना बेटा, अपना पति, अपना भाई गंवाने का, अपना पिता, अपना घर का एक मेंबर गंवाने का क्या दुख होता है। सरकार को कदम उठाने की तो अब जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि ये जो पुलवामा का ये जो कांड हुआ, इससे पूर्व भी देश के अंदर कांड होते रहे, लेकिन पुलवामा का जो हुआ वो काफी दर्दनाक, वो भी दर्दनाक थे, लेकिन ये जो लगातार पुनरावृत्ति हो रही है इस तरह से, तो इस पर कठोर कदम उठाने की बिल्कुल सख्त आवश्यकता है। और अब ये एक यही तरीका बचता है कि अब इसका जवाब लड़ाई से ही दिया जाए और इनके ऊपर अटैक भी किया जाए और इनको सब सुविधाओं से इनको वंचित भी किया जाए। जिस प्रकार कल आतंकवादियों ने कायरतापूर्वक तरीके से पुलवामा में हमारे सैनिकों पर जो हमला किया, जिसमें 42 हमारे देश के जवान शहीद हो गए हैं, इसको लेकर हम सभी लोगों में आक्रोश है। और आतंकवाद को हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, आतंकवादियों को पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर दिया जाए। ये घटना हुई है देश के अंदर, ये बहुत निंदनीय घटना है। आज जो सैनिक हमारे शहीद हुए, कितने माओं के लाल, कितने बीवियों के पति, कितने बेटों के पिता आज इस हादसे में शहीद हुए, हम लोग उनकी निंदा करते हैं। हम अनुरोध करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पाकिस्तान जो कायराना हरकत बार बार करने की कोशिश कर रहा है, उसको एक बार ईंट का जवाब पत्थर से ना दे करके गोली से देना चाहिए, ताकि हमारे देश की जो सरहद पर जवान शहीद हो रहे हैं, उस शहीदों के जो हमारे शहीद जवान और शहीद हो रहे हैं, उन पर प्रहार लग सके जो घटनाएं घटी जा रही हैं। हम अनुरोध करना चाहते हैं ये भी कि जिस तरह से बार बार पाकिस्तान कायराना हरकत करके जो हरकतें कर रहा है, हम अनुरोध करना चाहते हैं देश के सभी राजनीतिक दलों से कि इस घटना को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएं और एक कठोर नियम बना करके कठोर कार्रवाई के लिए एक हमें ऐसा निर्णय हमें लेना होगा कि पाकिस्तान जो बार बार कायराना हरकत कर रहा है, उसको छड़ी का दूध याद आ जाए और वो हरकत इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति ना कर सके। पुलवामा जो ये आतंकी हमला हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आगे क्या करना चाहिए? अब तो पाकिस्तान ने हद पार कर दी है, अब तो घुसकर उनके घर में घुसकर उन्हें मारना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि ये बाहर का काम तो है ही, साथ में हमारे देश के कुछ गद्दार हैं जो उनकी सहायता करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, सबसे पहले उनको मार भगाना चाहिए। आंसूला भी बड़ा रोष देखने को मिल रहा है जो पुलवामा में जो हमला हुआ है। आइए जानते हैं कुछ लोगों की राय किस तरीके की राय है, क्या राय है आपकी जो हमला हुआ आतंकवादी? देखिए, मेरी राय ये है, भारत का हर नागरिक ये चाहता है कि उसको बॉर्डर पे भेज दो और वो खून का बदला खून से लेंगे। जितने सैनिक हमारे मारे गए, हम उससे 10 गुने सैनिकों का सिर लेके आएंगे। और आप बताएंगे क्या हमारी राय है? ये जो घटना घटी है, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही असूलनीय घटना है। इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और भारत सरकार, इस देश की सरकार से मांग करते हैं, देश में बाहर से भी बॉर्डर पे और भारत के अंदर जो आतंकवादी पनप रहे हैं, इन्हें जड़ से खत्म कर दे, क्योंकि जड़ से खत्म करना समय आ गया है। इससे अच्छा समय देश की सरकार को नहीं मिलेगा, तो इस देश की जनता भारत सरकार के साथ खड़ी है। अब सरकार को भी ये निर्णय लेना चाहिए, आतंकवादियों को कश्मीर के साथ साथ कश्मीर पाकिस्तान तक आतंकवाद समाप्त कर दे, इससे अच्छा मौका भारत सरकार को नहीं मिलेगा। ये जो घटना हुई है, ये बहुत निंदनीय घटना हुई है, और जो इन्होंने कायराना हरकत करी है, जिसे कायराना ही हरकत करेंगे, जिनके पीछे से आगे छुरा घोंपा है पीठ में, अगर इनकी हिम्मत है, पाकिस्तान की अगर हिम्मत है हमारे फौजियों को मारने की, उनकी कितनी हिम्मत है मैं देखना चाहता हूँ। आए और सामने से लड़े, वो सामने से लड़ेंगे, उनकी औकात उनको समझ में आ जाएगी कि उनकी कितनी औकात है लड़ने की।
वो केवल काराना हरकत ही कर सकते हैं और इस काराना हरकत के करने लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे उन्हें। अब उनको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, पूरे पाकिस्तान को मिटा करके राख कर देंगे। भारत सरकार को पाकिस्तान के अंदर घुसकर जितने भी आतंकवादी हैं या आतंकवाद को सड़ा देने वाले लोग हैं उनको समाप्त करने का समय आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा होनी चाहिए, समय आ गया है। अब सर्जिकल स्ट्राइक का समय नहीं है, अब तो पूर्ण युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए और अब एक तरफा कार्रवाई की आवश्यकता है। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की है उसी तरह से भारत सरकार को अभी अपनी सभी सीमाओं को खोलकर पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना चाहिए और सबक सिखाने का अब समय आ चुका है।